2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से क्या देश में बेरोजगारी घटी है या बढ़ी है, आइए जानते हैं जनता की राय। हमें तो लग रहा है कि बेरोजगारी अभी धीरे धीरे बढ़ी रही है। बेरोजगारी दूर करने के लिए आश्वासन दिए और वादे करे, पर अभी वादे मझधार में है। हर आदमी पकौड़ी नहीं बेच सकता, जैसे आज यहाँ भी आप देखिए पकौड़ी की दो शॉप होंगी, बाकी सब लेडीज गारमेंट की सारी शॉप है, तो सेल जो निकलती है लेडीज गारमेंट से दूसरे आइटम से निकलती है। ऑब्वियसली बढ़ी है, उन्हें कुछ ना कुछ इंजीनियर्स के लिए एटलीस्ट करना चाहिए। बच्चे बीटेक करके बेरोजगार घूम रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि मोदी जी बेरोजगार की समस्याओं को कम करेंगे। बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, जितनी आवश्यकता है समाज को और देश को उस हिसाब से नहीं हुआ है। बेरोजगारी के लिए सिर्फ मोदी जी को ही जिम्मेवार ठहराना ये तो जायज़ नहीं है, उसके लिए हमको अपने अवसर खुद तलाशने होंगे। यूथ बिल्कुल बर्बाद हो रही है, मेरे बेटा अपना है वो भी चाहता है कि पापा मैं बताओ कोई स्टॉल वटाल लगा लूँ। ही इज़ MBA, नथिंग ही कैन डू। जब तक आप पॉपुलेशन को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करोगे आपकी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। आप देखिए आपके पैदा कितने हो रहे हैं आज के दिन में और आप रोजगार कितने को मिल रहा है। आम पब्लिक को भी उठाना पड़ेगा कि उसकी राह पे चलो, क्योंकि यहाँ पर जो है रूल रेगुलेशन का आपको पता ही है बड़ा बुरा हाल है, लेकिन इसको टाइम तो लगेगा काम करने में। जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बढ़ी है और बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, बंदों के पास काम नहीं है। बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। आप क्या कहेंगे, बेरोजगारी घट रही है या बढ़ रही है? नहीं, वो तो खैर बढ़ रही है बेरोजगारी, पर ये कोई चीज़ जब चेंज होती है दिक्कत तो देती है, पर बाद में पता चलेगा क्या अच्छा था और क्या बुरा था। 2014 के बाद से देश में मोदी सरकार बनने के बाद से बेरोजगारी घटी है या बढ़ी है? घटी है, मोदी सरकार बनने के बाद बेरोजगारी घटी है। I think it's now a little bit better than previous. We have to give him time. After 5 years, we'll see what he have done or what not. मोदी कुछ करना चाहता but we all know. उम्मीद तो देश को बहुत है, तभी तो देश ने पूरे राज्य और केंद्र में दोनों को जो है पूर्ण बहुमत से उनको जिताया और उस पर उनको खड़ा उतरना होगा। नहीं उतरेंगे तो फिर BJP सरकार के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा आने वाले समय में। लोग जो मिडिल लेवल के या लो लेवल के बिजनेसमैन थे वो अब बिजनेस करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल बिल्कुल ब्लॉक हो गई है और बेरोजगारी बढ़ती हुई चली जा रही है। बढ़ी रही है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी रहा है, गवर्नमेंट वैकेंसीज कम हो गई है निकलना, रिक्रूटमेंट कम हो गया, सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। विदेश यात्राओं के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, करने को कुछ है नहीं। हम घर में भी कुछ काम करते हैं तो थोड़ा सा सामान फैल जाता है, दिक्कतें आती हैं, मगर बाद में आसान तो होता है, कमरा अच्छा तो लगता है। कारोबारी परेशान है भाई इस टाइम। एक युवा के तौर पर बताओ कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? सर मेरे हिसाब से तो सर बेरोजगारी घटी रही है सर। अभी जो कंडीशन है वो तो दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है उसके लिए। जिस तरीके उनकी पॉलिसीज़ हैं उससे लग रहा है कि कंडीशन और क्रिटिकल होने वाली है आने वाले टाइम में। लाइफस्टाइल चेंज तो हो रहे हैं पहले से, लोगों के स्वच्छ भारत अभियान एक अच्छा है, मतलब लोगों में एक तरह से अवेयरनेस तो आई है। जन जन तक पहुँचेगा भारत तक, क्योंकि हमारा मकसद है आपकी समस्याएं सुनना। आइए जुड़िए हमारी मुहिम भारत तक के साथ। कैमरा पर्सन DK शर्मा के साथ अभिषेक सांडिल्य, दिल्ली भारत तक।